एक तो कंपनियों ने हालत ख़राब कर रखी है और अब कस्टमर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, कल आ गई एक फर्जी ट्रिप। फर्जी ट्रिप पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। तगड़ा लॉस हुआ है, हमारा समय भी खराब हुआ है, जेब से पैसे दिए हैं, क्या बताएं आपको, कैसे कैसे कस्टमर हो गए हैं अब हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रुप के अंदर जो राइडर है ना, उनके साथ कल ऐसी घटना हुई है। घटना पूरी हम आपको ना डिटेल दिखाएंगे। भाई साहब ने व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भेजा है कि कैसे उनके साथ फ्रॉड हुआ है। चलो वो दिखाते हुए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये ट्रिप थी बोर्जो के अंदर और बोर्जो की ट्रिप का बाकायदा पूरा डिटेल उन्होंने दिया है कि कैसे उनके साथ फ्रॉड हुआ, तो आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो इसलिए पूरी डिटेल देख लेना और इस फ्रॉड से सबक सीख लेना कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। हेलो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राइडर हेल्प इंडिया। हमारा नहीं, हम इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रखे हैं। आप भी ज्वाइन होना चाहें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अंदर एक भाई का मैसेज आया और मैसेज के अंदर लिखा क्या है, मेरे भाई वी फास्ट राइडर के साथ फ्रॉड हो गया है आज, जिसका ऑर्डर नंबर 06749। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो कंपनी भी देख रही हो ना, तो इस ऑर्डर नंबर को चेक करें एक बार कि आखिर ये कौन सा कस्टमर है जो राइडर के साथ फ्रॉड कर रहा है। खैर, अब आगे बात करते हैं। तो ऑर्डर जो था वो शाम के 7 बजे का था और 7 बजे यह ऑर्डर आया है। जब ऑर्डर को पिकअप करने के लिए राइडर पिकअप पॉइंट पर पहुँच गया, जो कि कमला नगर था, तो पिकअप पॉइंट पर पहुँचने के बाद हुआ क्या कि जिसने ये बुकिंग करी थी उसने कहा कि भाई मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है और जिस लड़के से ये सामान आप लोगे उस लड़के को पेमेंट करनी है 200 रुपये। आप ये 200 रुपये उस लड़के को दे दो, मैं आपको ड्रॉप पॉइंट पे यानी अशोक विहार PVR मॉल पे आपको ये पेमेंट दे दूंगा और आपकी जो है अमाउंट जो बनती है फेयर वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो हमारे राइडर ने उनको 200 रुपये पे कर दिए और पे करने के बाद उनसे उनका पार्सल ले लिया। और पार्सल जो था उसके अंदर जो है गाड़ी का ऑयल था और काफ़ी महंगा वाला ऑयल था कार के अंदर डलने वाला। तो ये सोच के कि चलो बहुत महंगा वाला है, हमारे राइडर काफ़ी संभाल संभूल के उसको जो है PVR मॉल पहुँचे। और PVR मॉल पहुँचने के बाद जब उन्होंने कस्टमर को कॉल किया है कि सर आपका मैं ऑयल लेके आ गया हूँ, तो भाई वो उस फ़ोन को लगातार काटे जा रहे थे। लास्ट में फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया और स्विच ऑफ करने के बाद जब वो काफ़ी परेशान हुए तो उन्होंने क्या किया कि एक बार उसको चेक किया जिसमें ऑयल आया था। उनका दिमाग तब घूमा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई जब खेत चिड़िया चुग गई उसके बाद उनका दिमाग घूमा तो उन्होंने चेक किया तो उनको उसमें दिखा कि यार इसमें ऑयल नहीं, इसमें तो सिर्फ पानी भरा हुआ है 20-25 रुपए की कैन के अंदर। उनके साथ हो गया फ्रॉड। और भाई फ्रॉड होने के बाद उन्होंने वहाँ के जो है गार्ड थे, गार्ड से जब पूछा तो गार्ड ने भी बताया कि भाई ऐसा जो है 4-5 राइडर के साथ पहले भी हो चुका है, 4-5 राइडर पहले भी पानी को लेके आ रखे हैं और आने के बाद वो उनकी कहानी बिल्कुल आप वाली कहानी है कि भाई साहब हमारे साथ जो है ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है। तो आप लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हैं कि आप लोग अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह लुटा देते हैं। तो देख ही लिया होगा आपने कैसे फ्रॉड हुआ था भाई साहब का। कमला नगर से अशोक विहार तक चले गए, खाली खाली ही कहेंगे भाई। एक उम्मीद थी उनको कि वहाँ जाके उनको किराया भी मिलेगा और उनके 200 रुपये भी मिल जाएंगे, लेकिन ठंडन गोपाल ने मिला लीटर भर के पानी। इसलिए बिल्कुल सतर्क रहें भाई। सीधी सी बात है, पार्सल लिया, पार्सल लेने के बाद पार्सल डिलीवर किया और पैसे लिए। फालतू का मगजमारी नहीं करना बिल्कुल भी इस लाइन के अंदर कि यह कस्टमर बोल रहा है मुझे पैसे दे दो, आपने उसको पैसे दे दिए, बहुत दानवीर कर्ण बन गए। भाई कर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है, कर्ण का हाल आपने देख रखा है, महाभारत में पता है कि कर्ण का हाल क्या हुआ था। ऐसा हाल आपका ना हो जाए। अब तो पहले तो कुछ और युग चल रहा था, अब तो कलयुग चल रहा है। ऐसा ना हो कि लफड़े कुछ तगड़े हो जाएं आपके साथ। तो भूल कर भी जो है उपकार करना जो है वो छोड़ देना, बिल्कुल भी उपकार करने के बारे में मत सोचना। अपना काम करो, अपने पैसे लो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पीछे रैपिडो ओला उबर के साथ भी, एक कैंट वाले इलाके के अंदर भी बहुत सारी खबरें हमारे पास आई थी जिसके अंदर ये हुआ था कि आर्मी ऑफिसर बन के भी जो है वो फ्रॉड होता है राइडर के साथ कि आप हमें पेटीएम कर दो, हम आपको QR कोड भेज रहे हैं, इसको स्कैन कर लो, इस पे इतने रुपए भेज दो। उसके बारे में भी हमारे ग्रुप के अंदर कई बार मैसेज आ चुके हैं, कई राइडर्स के साथ जो है फ्रॉड हो चुका है और हम लगातार सतर्क करते रहते हैं। अब एक नया फ्रॉड, नए तरीके का फ्रॉड है, तो हमने कहा इसको भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है, दानवीर कर्ण नहीं बनना है।
मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।